में आपने जो रोल प्ले किए हैं, जैसे संघर्ष हो या दुश्मन हो, विलन का रोल, अभी आप कॉमेडी कर रहे हैं इस फिल्म में, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये, यू नो, विलन भी प्ले कर सकते हैं आप, कॉमेडी भी, कितना वेरिएशन है आपके एक्टिंग स्किल्स में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कहना तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारा काम है करना, कहना काम आपका है कि उसको देखने के बाद जो भी आपको लगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर किसी निर्माता निर्देशक को या लोगों को या राइटर को आपके अंदर वो प्रतिभा समझ में आती है और उनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर रोल आप तक चलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा समझ में आती है। ये एक अलग बात है कि दुश्मन हो या संघर्ष हो या अभी धड़क हो या जिस किस्म के जो किरदार हमारे जीवन में आते रहें, लेकिन ये एक बहुत सुखद बात है कि जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने के अवसर आशुतोष को मिले हैं, ये हमारे बॉलीवुड की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा इतनी विविधता किसी किरदार में, इतने डिफरेंट किरदार कभी करने के मौके नहीं मिलते हैं। आशुतोष जी, जी ये सर अपना नाम बताइएगा ना। हाँ जी, राजेंद्र सिंह सर, ये जो आपने चार रोल किए हैं जी, इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है और किसमें आपको ज्यादा मतलब उम्मीद है कि ज्यादा पसंद किया जाएगा? पूरी कहानी जनाब एक्चुअली घूम रही है छगन पटेल के इर्द गिर्द, कि छगन पटेल जो है वो कहानी के को सेट भी करते हैं और वो कहानी को अपसेट भी करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही आदर्श पति हैं और बहुत ही आदर्श पिता हैं, लेकिन उनके जीवन का ये काला पक्ष किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी या उनके बच्चों को भी नहीं पता कि छगन पटेल उतने ही बड़े लंपट व्यक्ति हैं, और ये उनके जीवन का सीक्रेट है। और जब वो खुलकर सामने निकल के आता है तो फिर कैसे व्यक्ति अपनी उस छवि को बचाने के लिए किन किस्म के जुगत या तिगड़मों का इस्तेमाल करता है, तो ये पूरी की पूरी, और उसी प्रक्रिया में इनके संपर्क में बारूद भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब सलीम भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब कलीम भी आते हैं। और हीरो को कितना मिस करते हैं आप जी? कोई पार्टिकुलर हीरो जो हो फिल्म में नहीं है तो आपको, आप कितना मिस करते हैं उसको? आप कोई, क्योंकि इसमें आशुतोष को ही हीरो है, आशुतोष ही विलन है, आशुतोष ही सपोर्टिंग कैरेक्टर है और आशुतोष ही कॉमेडियन है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई मिस करने वाली बात। और इस्माइल दरबार साहब ये जो म्यूजिक देते हैं वो हैं या दूसरे साहब हैं? नहीं, इस्माइल दरबार साहब ही हैं और उन्हीं का म्यूजिक है और जबरदस्त म्यूजिक है। और फिल्म के जो गाने अभी आप सुनेंगे, मुझे लगता है शायद ये आपको सुनाएंगे तो आपको तसल्ली देंगे वो गाने। सुपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आना कि एक ही किरदार से चार किस्म के अलग अलग कैरेक्टर करवा लेना और फिर वैसी कहानी का लिखा जाना। और नईम भाई जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने उन चारों किरदारों को अलग अलग जुबान के साथ अलग अलग मिजाज को वो दे देना, और साथ में इंटरटेनमेंट की उस वैल्यू को ध्यान में रखना कि आपको आनंद भी लगातार मिलता रहे। तो हमारा ये मानना है कि फिल्मों से क्या होता है कि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए और स्कूल होते हैं शिक्षा के लिए, होता उल्टा है। हम स्कूलों में आजकल मनोरंजन ढूंढते हैं और फिल्मों में शिक्षा, तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि फिल्म जो है इसमें मनोरंजन का विषय है, वो आपको मनोरंजित करेगी और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की अपन ये शिक्षा जोड़ें कि इससे क्या शिक्षा मिलती है, तो मुझे बस यही लगता है कि अगर शिक्षा ढूंढनी ही है तो फिर ये ढूंढिए कि व्यक्ति जिस हिसाब की छवि बनाता है उस हिसाब की छवि उसको अकेले में भी जीनी चाहिए। अगर आप अलग अलग छवियों के मुताबिक अपना जीवन जिएंगे तो फिर आप छगन पटेल जैसी असुविधा में पड़ेंगे। क्या बात, बहुत कमाल, क्योंकि इन लोगों को तो हम जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, ये लोग तो सिद्ध लोग होते हैं वीआईपी वगैरह, तो इनका तो सिर्फ मुस्कुराना ही अपने आप में अदा हो जाता है। तो जो चीज़ इनके पास सहज है उस चीज़ को मुझे सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ा, और इन लोगों का इसमें इतना भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि कोई भी फिल्म एक्टिविटी जो होती है वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक टीम पूरी की पूरी ट्यून्ड ना हो तब तक उसमें आपको वो सुख नहीं मिलता है। तो ये भाग्य की बात है कि ऐसे निरअहंकारी लोग और ऐसे गुणी लोगों के साथ मैं फंसा रहा गुणी लोग। आशुतोष जी, एक मिनट सर, वो एक रोल ही करना बड़ा टफ होता है, तो जहां पे आपको चार रोल करने हैं, आप ही का सामना आपके ही साथ होना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन
ये मुश्किलें ऐसी होती हैं जो किसी एक्टर को डेवलप करने का, परिष्कार करने का काम करते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि बॉलीवुड में हम जैसे भाग्यशाली लोग कम होते हैं जिनको लगातार निरंतर कुछ ना कुछ अलग अलग करने के मौके बॉलीवुड देता रहता है। सही सर, इस तरह से जब सवाल था जी। यहाँ पर सर, आपका ट्रेलर में किरदार बहुत आपने खूबी निभाया है, और जो छगन पटेल का जो रोल आपने किया है, सो आपको कितने दिक्कत आई जो गुजराती एक्सेंट, क्योंकि सर मध्य प्रदेश से हैं और शुद्ध हिंदी, उनकी हिंदी कभी हमें समझ में नहीं आती। हाँ जी इसमें बहुत, चूंकि इस्माइल भाई जो हैं वो स्वयं ही गुजराती हैं और काठियावाड़ी हैं, तैयब जी हैं, ये सब लोग सूरत के लोग हैं, तो इन सब को सुन सुन के और इन सब की उपस्थिति से वो चीज़ बड़ी आसान हमारे जीवन में हो गई। और जो नईम भाई हैं उन्होंने जो डायलॉग लिखे थे, उनका जो फ्लेवर है वो अपने आप में इतना आनंद देने वाला था कि इन सब चीज़ों के कारण बड़ी सुविधा और बड़ी सहजता के साथ छगन पटेल निभ गए। सर एक उसी फिल्म का एक गुजराती में डायलॉग हो जाए सर, नहीं वो डायलॉग तो आपको यहाँ पे सुनाई पड़ेगा। क्यों नहीं सर, ये वो एक बार हो जाए सर। नहीं नहीं वो ये फिर व्यक्ति और वस्तु वाली बात हो जाएगी कि वस्तु है ना आपके सामने, वस्तु है, मैं व्यक्ति हूँ तो शेयर करें सर। एक बार वो वापस से मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप वो वापस से बताएं, क्योंकि ये श्रोता नहीं जानते। वो क्या होता है कि कोई भी विचार जब तक मौका और दस्तूर ना हो, अगर वो बोल दिया जाए तो वो कुविचार की श्रेणी में आता है, कुविचार की श्रेणी में आता है। तो सर कब तक ये रिलीजिंग डेट कब तक की है इसकी? 13 अली साहब बताएंगे आपको, विनीत बताएंगे, 13 जुलाई रिलीजिंग डेट। आशुतोष सर जी, काम करने का अनुभव कैसा रहा इन लोगों के साथ में आपका? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि किसी भी अभिनेता के जीवन में ये एक इच्छा होती है कि उसको विभिन्न विभिन्न किस्म के किरदार करने के मौके मिले, और जब किसी अभिनेता के जीवन में अगर आप देखें तो शायद 9 रोल जो हैं वो संजीव कुमार साहब ने किए, ट्रिपल रोल महान में अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। तो आपको इस किस्म के और इस कद के अभिनेताओं को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करने के अवसर मिलते हैं, और उस स्थिति में अगर आशुतोष राणा को अगर कोई फिल्म मेकर इस किस्म का काम करने का अवसर देता है तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब कृपा होती है तो आनंद अपने आप उस प्रक्रिया में आता है। जी सर, थैंक यू सर। वीआईपी सर आपसे सवाल है। मेरा? अरे बाप, हेलो, चेक ले, बाउंस चेक हो गया। सबसे पहले तो एक सवाल सर ने किया था कि कितना कठिन लगा आपको रोल, गए कठिन, तो कठिनाई तो मुझे आई थी, मुझे पहचाने कि कौन असली है कौन नकली है। नकली एक सीन है इस फिल्म का जिसे मुझे पहचानना है कि छगन सेठ कौन है। हाँ। और वही सीन बड़ा मज़ेदार है, क्या क्या सवाल पूछे हैं मैंने, तब जाके इसमें मेरी फजीती होती है बाद में, लेकिन बड़ा मज़ेदार सीन लिखा हमारे नईम भाई ने। और एक्सपीरियंस, आप किसी डिक्शनरी के साथ खड़े हो तो एक्सपीरियंस की बात ही मत करो भाई, मेरा सौभाग्य सर मैं आपके साथ मैंने काम किया और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इनके साथ काम करने का मौका मिला, मतलब ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा रोल। लोगों ने मुझे हमेशा मिमिक्री के लिए यूज़ किया है कि वीआईपी मिमिक्री, लेकिन यहाँ पर एक करेक्टर देखो, एक गुजराती करेक्टर, मैं तो तुम्हें पहले बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, तो ये वाला करेक्टर आप देखना, बिल्कुल मजा आएगा आपको, और खास करके छगन पटेल के साथ ही रहता है ये करेक्टर। Yes. Any other questions? आशुतोष सर, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में भी आ रहे हैं धड़क में ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर के साथ, क्या कहना चाहेंगे? दोनों नए कलाकार हैं, और खासकर जाह्नवी की बात कर लें तो उनमें श्रीदेवी की कितनी झलक नजर आई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये प्रार्थना आपसे करेंगे कि हम अक्सर नए बच्चों में हम पुराने लोगों की झलक देखना पसंद करते हैं, तो और निजता जो इंडिविजुअलिटी होती है फिर बेचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है, और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मकदार है, और उनकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर ना आए,
जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर नहीं आएंगी, उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सदी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नजर आया कि उनके अंदर जो ठहराव है या जो जुनून है या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते, अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती है।